चलिए आइए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा गंगा प्रदूषण। जो बातें आपकी होगी, इसके पहले हम लोग परिचय कर चुके हैं प्रदूषण के बारे में कि जब जल में अनेक हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो वह जल दूषित हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं जल प्रदूषण। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। जब गंगा प्रदूषण की बात होगी तो गंगा नदी का तनाव सुने होंगे, देखो कितना अच्छा बात लिखा गया है, परिचय करा देते हैं आपको। गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल के खाड़ी में गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर तक यात्रा करती है। माने जो गंगा नदी है उसका लंबाई याद कर लो 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। यह हिमालय के गंगोत्री से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है और यह 2500 किलोमीटर दूरी को तय करती है। कौन? गंगा नदी। इस गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश स्थित है, बिहार है, बंगाल है और भी 100 से अधिक नगरे इस एक नाले में बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त मानव के क्रियाकलापों में नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों को जलाने से गंगा प्रदूषण होता है, वही है नई उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन में गंगा का प्रदूषण होता है। अब गंगा नदी में जो मछलियां मरने लगी है, जब आप जाएंगे बारे में तो एक बायोलॉजी में चैप्टर आपको मिलेगा बाहित मल उपचार। बाहित मल उपचार में दिखाया जाता है कि जितने भी गंदगी होती है जो गंगा नदी है उसके किनारे बड़े बड़े टैंक बैठा दिए जाते हैं और जितने भी पानी बाहर से आते हैं उस टैंक में डायरेक्टली गिरते हैं और जो टैंक होता है वह शुद्ध पानी को नदी में छोड़ता है और शुद्ध उसके अंदर रह जाती है टैंक के अंदर। फिर टैंक को बाहर निकाल करके हमारे सब स्प्रिंग सिस्टम होता है, फिर साफ़ कर देता है, फिर वो पानी आपको उसी तरह से वो नाला साफ होता है बाहित मल उपचार में। तो गंगा नदी के अगर बारे में पूछे, कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि जो गंगा नदी है उसकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? गंगा नदी हिमालय पर्वत के गंगोत्री से निकलती है और जाकर के अरब सागर में क्या होती है? गिरती है। इसके किनारे तो बहुत से राज्य हैं, मुख्य रूप से बिहार है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है और इस तरीके से लगभग 100 नगरे हैं जो इस गंगा नदी के किनारे स्थित हैं और इस गंगा नदी से तमाम प्रकार के जितने भी खेती बाड़ी की जाती है इसी से जल को लेकर के की जाती है। लेकिन आज जो गंगा नदी है लगातार प्रदूषित हो रही है, उसमें स्नान करने से, ये गंगा नदी में स्नान माने करने से भी गंगा नदी का पानी शुद्ध हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है। जो लोग मर रहे हैं उसके लाशों को दहवाने से भी गंगा नदी का जल अशुद्ध हो रहा है। विभिन्न प्रकार के जो कंपनियां हैं, विभिन्न प्रकार के जो फैक्ट्रियां हैं, उससे जो जल निकल रहे हैं, जो अशुद्धियाँ निकल रही हैं डायरेक्टली गंगा नदी में डाला जा रहा है, इससे भी गंगा नदी में क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं काची गंगा प्रदूषण। बात समझिए, हालांकि अब सरकार तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं करे इसके रोकने के लिए, पता नहीं इसके बारे में लिख लीजिए कि आपको याद रहेगा। ये तो आपका निबंध भी आता है 1985 में, 1985 में गंगा स्तर को सुधारने के लिए। आप लिखो गंगा, हाँ हेडिंग है कार्य परियोजना के
के विशेषता। ये जानते हो क्या है, ये काहे बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है कि गंगा में कोई अशुद्धि नहीं आना चाहिए। यह परियोजना सरकार ने बनाई है कि अगर जल अशुद्ध हो रहा है तो उसको शुद्ध करने का उपाय करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ इसकी विशेषता होती है गंगा कार्य परियोजना की। सब लोग परियोजना के बारे में जानते ही होंगे, गरीब मिटाओ गरीब हटाओ परियोजना भी पड़े होंगे। अब लिखो पहला लिखना, इस परियोजना के द्वारा, इस परियोजना के द्वारा गंगा के जल के, इस परियोजना के द्वारा गंगा के जल के पीएच मान को, पीएच मान को नापा जाता है, पीएच मान को नापा जाता है। अच्छा बात जरूर याद रखना कि यदि पीएच मान 7 है तब तो जल शुद्ध है। काहे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। 7 से गड़बड़ भई तो जल का है अशुद्ध। ध्यान रखना, वही सब परियोजना जो है ये बनाई गई है कि जल का हम लोग पीएच मान नापेंगे और देखेंगे 7 है कि 7 से अगल बगल। दूसरा लिखना, दूसरा इस परियोजना के द्वारा, इस परियोजना के द्वारा हानिकारक जीवाणु और विषाणु, हानिकारक जीवाणु लिखो आयो हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। इस परियोजना के द्वारा हानिकारक जीवाणु और विषाणु के बारे में जांच की जाती है, जांच की जाती। अच्छा मान लो जल की यानी जीवाणु की जांच की जाएगी कितनी उसकी मात्रा है, तब उसके बाद से किस परियोजना के तत्काल की जाएगी बात कि इसमें बहुत ज्यादा जीवाणु है, जल्दी से जल को क्या करो, किस रहा है विभिन्न प्रकार के, ऐसा लिखना विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों से आने वाले अशुद्धियों को इस परियोजना के द्वारा रोका जाता है। इस परियोजना के द्वारा रोका जाता है, रोका जाता है। ठीक है, चौथा पशुओं को तथा मृत लाशों को गंगा में प्रवाहित करने पर रोका जाता है। कहा जाता है कि प्रवाहित नहीं किया जाता जाना चाहिए। लिखा गया सबका, जल्दी से लिख लो। तक गंगा प्रदूषण के बारे में जाने ना, आप हेडिंग बना लो तुम लोग, देखिए 3 गो आ रहा है आपके पास। क्या हुआ है? बार बार
तुम इधर अकेले बैठ जाओ, इधर चलो, इधर उधर जाओ, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं क्या, आपकी बातें कर रहा हूँ, उधर बैठ जाओ, आगे लिखो घेरी। संसाधन के सही समझ रहे, विज्ञान की बात हो रही है, विज्ञान है, लिखो संसाधन के सही उपयोग, नहीं हेडिंग है, सब पागल यहाँ पढ़ते हैं, संसाधन के सही उपयोग, संसाधन के सही माने कहाँ का हम लोग संसाधन का प्रयोग करते हैं, देखो आप में तीन आर दिया है, समझ रहे हो ना, तीन आर, एक आपका होता है पुनः, पुनः उपयोग, कल मैंने बताया भी था आपको, एक आपका था पुनः चक्रा, और एक आपका है कम प्रयोग, या एक और लिखा होगा तुम लोगों में, क्या लिखा, पुनः प्रयोजन, चलिए इसी को, या आज ही डूब सकता हूँ, तीन आर महत्वपूर्ण है, देखो आखिरी है क्या अपने जान, पुनः उपयोग का मतलब क्या होता है, कि जो वस्तुएं हमारे लिए लाभदायक हैं हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए, हमें बार बार उसका प्रयोग करना चाहिए, जैसे मान लो स्टील के गिलास है, अभी नहीं कि बहुत पैसे वाले हैं तो एक बार चाय पी लिए तो फेंक दिए उसको, है सारा स्टील के थरी है, थाली है, एक बार प्रयोग किया बिक दी, कान के कान वाली है, एक बार प्रयोग नहीं था एक बार फेंक दो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुनः उपयोग कहते हैं, पुनः उपयोग का मतलब क्या होता है ना, कि पुनः उपयोग का मतलब ये होता है कि इसका हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं प्रयोग, तो लिख लो इसका, देखो वे वस्तुएं जो हमारे लिए लाभदायक होती हैं, पुनः उपयोग में लिख लो, वे वस्तुएं जो हमारे लिए लाभदायक होती है उसका हमें बार बार प्रयोग करना चाहिए, उसका हमें बार बार प्रयोग करना चाहिए, तथा उसे फेंकना नहीं चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, यार क्या बोलते, चल आगे लिखो पुनः चक्र, हंसो मत खराब लग रहा है, तुम लोग पढ़ाई से बाहर जा रहे हो, तो इतना पढ़ाने के बावजूद भी नहीं आता तो समझो कितना तुम लोग का दिमाग विकसित हुआ है, पुनः चक्रण का मतलब क्या होता है, तो समझे कि इसमें बहुत सारे वस्तुएं हैं, ठीक है, मान लो कि आपने कहीं गया कूड़ा कचरा देखा, उसमें बहुत सारे वस्तुएं हैं, मान लो कोई ऐसे वस्तुएं हैं जिसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, और कोई ऐसे वस्तुएं हैं जिसका आप प्रयोग अपने लाइफ में कर सकते हैं, जैसे कहीं मान लो कहीं कागज है, मान लीजिए कहीं मान ऐसे चीज़ें हैं ना जिसका आप इस्तेमाल करके नए चीज़ों को बना सकते हैं, तो उसको अलग कर लेना चाहिए, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसका आप पुनः प्रयोग नहीं, जैसे मान लीजिए बोतल है, प्लास्टिक वगैरह है, तो अगर ऐसा महसूस होता है कि उसमें अच्छे अच्छे चीज़ें हैं जिसका आप अपने लाइफ में प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको चुनकर अलग कर लेना चाहिए, और जो खराब होता है उसको चुनकर अलग कर लेना चाहिए, तो उसी को, और जो अच्छा है उसको फिर अपना लाइफ में अपने जीवन में उसको प्रयोग करना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं पुनः, तो लिख लो, देखो जब बहुत अधिक वस्तुएं एक पास एकत्रित हो, जब बहुत अधिक वस्तुएं एक पास एकत्रित हैं, तो उसमें से
लाभदायक वस्तुओं को उपस्थित है तो उसमें से लाभदायक वस्तुओं को चुनकर अलग कर लेना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है, को चुनकर अलग कर लेना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है। तो उसे हमें चुन लेना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। तथा जो हानिकारक होता है उससे उन वस्तुओं को भी अलग कर लेना चाहिए, तथा जो हानिकारक होता है उन वस्तुओं को भी अलग कर लेना चाहिए, तथा जो हानिकारक होता है उन वस्तुओं को भी अलग कर लेना चाहिए। इस प्रकार जो वस्तु उपयोगी है इसका हमें अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए, जिसे जिसे पुनः चक्रण कहते हैं। देखो, काम उपयोग या पुनः प्रयोजन, इसका मतलब क्या होता है? मान लो कि जब आवश्यकता ना हो, तो हमें पंखा और विद्युत बल्ब बंद कर देना चाहिए, ये सब कुछ समझाया जा रहा है यहाँ पर किताब के माध्यम से, कि जब हमारे लाइफ में कहीं आप है माली आवश्यकता नहीं से, विद्युत बल्ब इतना जल रहा है इसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब तो लोग सुधर गए हैं, मीटर लग गया खुद, तो समझ गए हैं कि कब यूज करना चाहिए कब नहीं यूज करना चाहिए। इसी को कम उपयोग कहते हैं, कि जब मैंने ऐसा महसूस हो कि हमें पंखे की आवश्यकता नहीं है या विद्युत बल्ब की आवश्यकता जलाने की जरूरत नहीं है, तो हमें उसको बंद रखना चाहिए। दूसरा बात इसमें कि टपकने वाले नल को सही कर लेना चाहिए, जैसे पानी टपकता रहता है ना, तो उसको हमेशा सही कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे संसाधन भाई जल की सीमित मात्रा है ना, वो भी लगातार यूज करते रहेंगे तो मतलब के तो नुकसान होता है। हमें गाड़ियों का कम प्रयोग करना चाहिए, ऐसे क्या होता है ना कि कम प्रयोग करने से उसमें के जो धुआं वगैरह निकलता है प्रदूषण भी कम होगा, और डीजल पेट्रोल जो लगातार नुकसान हो रहे हैं उसकी भी मात्रा कम है। ये क्या बोल रहे हो, हिंदी में बात करो, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो भी हिंदी में बात करो बस। ये सब आपके जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको सिखाया जा रहा है, नहीं पढ़ते तो कोई आपको बताने भी नहीं जाता और ना कोई आपसे पूछना जाता। विद्यालय के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि संसाधन सब सीमित हैं, हमें उसका जब जरूरत है तभी उपयोग करना चाहिए, जरूरत नहीं है तो नहीं उपयोग करना चाहिए। मतलब हम लोग चाहेंगे तब प्रदूषण कम हो सकता है, हम लोग चाहेंगे तो संसाधन बहुत ज़्यादा दिन तक रह सकता। चलिए, तो इस तरीके से पुनः उपयोग पुनः चक्रण के बारे में हम लोग पढ़े, अब तो सामाजिक के पास भी चलते हैं।